प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लोहिया छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार में किसानों और मजदूरों अल्पसंख्यक लोगों का बहुत बुरा हाल है। भाजपा सरकार आते ही आवारा पशुओं ने किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद करना शुरू कर दी। किसान पूरी तरह से फुटपाथ पर आ गया है, जिससे किसान गरीब मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। सरकार द्वारा किसानों को लाभ देने का वादा किया गया था, अभी तक सरकार ने फसलों के नुकसान का मुआवजा भी नहीं दिया है और न ही फसलों का उचित मूल्य दिया जाता है। कोरोना काल में प्रशासन ने जमकर लूट घसोट की है, जिसे रोकने में सरकार नाकाम दिख रही है। जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल व पेट्रोल, रसोई गैस, बिजली बिलों में वृद्धि को लेकर जनता पूरी तरह से त्रस्त है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी छात्र सभा के पदाधिकारियों का कहना है, कोरोना काल में रोजगार न मिलना, लॉकडाउन में स्कूलों की फीस माफ हो, बिजली का बिल माफ हो, वैसे भी जनता महंगाई की मार झेल रही है, इन सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। धीरे ना चल पात खा रहे, पदम लगाओ तुम्हारे फोन में। अरे कच्चा नहीं कन्हैया है, नेताजी का भैया है।